जब राजा मूर्धज रानी विद्याधन्य को सारे हालात बताते हैं कि रानी उन संतों ने पहले हमसे तीन वचन मांग लिए, उसके बाद में दान मांगा है, अब हम वचनबद्ध हो चुके हैं, हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन वचनों से वापस नहीं लौटेंगे। साथियों, इस प्रकार से रानी विद्याधनी कहती है, महाराज आपने ये इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया, क्योंकि आज हमसे ज्यादा अधिकार जो हमारे घर में पुत्र वधु बैठी हुई है, हमारी पुत्र वधु का अधिकार ज्यादा है, उस बहू से पूछा जाए। साथियों, राजा कहते हैं, रानी जाइए और जाकर के पूछ के आइए कि हमने तेरे पति को संतों के भूखे शेर के लिए दान में दे दिया है। साथियों, वो सास अपनी बहू के पास जाती है और कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं, आइए मेरे साथ में सरिता कश्यप जा रही है, आइए साथियों क्या बता दिया। ए बेटी लाजवंती, कहिए सासू माँ। आज एक सास अपनी बहू के पास ऐसे काम से आई है कि संसार की कोई सास कभी जीवन में अपनी बहू के पास ऐसे काम के लिए कभी ना जाए बेटी। लेकिन सासू माँ, हाँ, अगर इतना ही जरूरी काम था हाँ तो मुझे बुला लिया होता। लेकिन बेटी, आज इतना जरूरी काम है हाँ। स्वयं मेरे को आना पड़ा है। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो आपको मेरे पास आना पड़ा? आज हमारे दरबार में दो साधु आए हैं हाँ। उन साधुओं ने तेरे ससुर उस दानवी राजा मूर्धज को तीन वचनों में बंद कर लिया, और तीन वचनों में बांध करके बेटी उन्होंने दान में तेरे पति को मांग लिया, तुझे अपना पति दान करना पड़ेगा। सासू माँ हाँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप भली बात जानती हो कि अभी तो मेरी नई नई शादी होकर के आई है हाँ। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी हाँ। और आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आई हो? ये मैं सारी बातें जानती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन उन संतों ने तो पहले तेरे ससुर को तीन वचनों में बांध लिया, उसके बाद किसी पशु का या मेरा या किसी इस परिवार में किसी भी जीव का वो मांस मांगते तो मैं तेरे पास नहीं आती, उन्होंने तो केवल तेरे पति को ही मांगा बेटी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती। लेकिन बेटी, तुझे देना पड़ेगा, ये मान मर्यादा इज्जत की बात है, क्योंकि तू ये जानती है कि आज तक जिसने द्वार से जो कुछ मांगा उसे मुंह मांगा दान यहाँ से मिला है बेटी। अगर आज वो साधु संत वापस लौट गए तो इस इतिहास की किताब से हमें तक उनका नाम कर जाएगा, कोई उन्हें दानवी नहीं कहेगा बेटी। सुमा, आज मैं मजबूर हूँ, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती, और आप इतना बड़ा जुलम मुझ दुखिया पे मत कीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ। तो ये क्या कहना चाहती हैं? सुनिए मेरी बात। हो मत जुलम करें मेरी सास नास खुद
बकरा लिया के डाल दियो, इतने पे भी ना माने तोरी धक्का बेली डाल दो, अरे इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे है फकीर, क्या बहकाना झोड़ी भी घाल दो। हाँ। राजी होकर शेर खावे बकरा जाके डाल दो। हाँ। और इतने पे भी ना माने तो धक्का देने काट दो। बिल्कुल बेटी, कहते हैं घर आए हुए तो दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए, फिर वो तो साधु संत महात्मा है, भगवान का रूप है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? लेकिन सासू माँ, ऐसे कोई साधु नहीं होते जो एक इंसान का मांस अपने शेर के सामने डालते हो। मैं नहीं मानती कि वो सच्चे साधु हैं। अरे कोई ढोंगी बाबा हैं, आप उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दीजिए। अब चाहे कोई भी हो, क्योंकि तेरे ससुर वचनों में बद्ध हो चुके हैं, उन्हें वचन दे चुके हैं, अब चाहे पुत्र जाए, चाहे राजपाट जाए, चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन वो अपने वचनों से नहीं फिरेंगे, कभी नहीं फिरेंगे। लेकिन मैं अपने पति को दान में नहीं देने दूंगी। अच्छा हाँ, तो सुन ले मेरी बात गौर से। ये बड़ी बात, ओ नरका मात खाने आले, ओ धर्म ना दिगाया करते। घर आए हेरी घर आए, अरे घर आए साधु संतान है धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतान है धक्का ना लगाया करते। हेरी बेटे ने मरवा के माता रे, बेटे ने मरवा के माता, घर की बंद जावेगी ठेक, हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर है किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक, और किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। ओ घर बैठी बहू यो जवान दो पात्रों के बीच फंस जाती है। उधर तो अपने पति उस दानव राजा मोरध्वज की बातें बड़ी अच्छी लगती है, और उधर देखती है अपने पुत्र वधु की बातें सुनती है तो उसकी बातें भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी, कंगना तक नहीं खेला था, उस जवान अवस्था में अपने पुत्र वधु को विधवा वाणी में कैसे देख सकी। साथियों दो पात्रों के बीच फंस जाती है, सोचती है कि अब मैं क्या जवाब दूंगी, और तीसरी बात के माध्यम से क्या सोच विचार करती है और कैसे समझाती है कि बेटी जब मैंने 9 महीने तक अपने पुत्र को अपने गर्भ में रखा है और लगभग 18 साल तक उसको इतना बड़ा किया पाल पोसर के, तेरा पति तो कल बना है, साथियों क्या समझाती है क्या बताती है?
ममता धर्म का सवाल री, 9 महीने तक अरी 9 महीने तक मने 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। हेरी तू तो सासु खाई खेली रे, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री, बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री, शेर ने तू शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भर तारे री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भर तारे री। हो तू तो दे औरों ने कुछ ना सोची, माजी ने बिना वाड़े दिए धरती का हिला यारी पर्दा तने बदड़ पाड़े दिए, और धरती का हिलाया पर्दा तने बदड़ पाड़े दिए। हेरी देख के चेहरे सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैर